तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है कि हम कैसे चेस बोर्ड बनाएं। तो चेस बोर्ड हम ग्रीन और रेड कलर में बनाएंगे। चलिए ये देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले नोट पैड ओपन करिएगा और यहाँ पर शुरुआत हम करेंगे HTML से। फिर यहाँ पर हेड पोर्शन लिखेंगे, तो ये हेड हो गया। और देन यहाँ पर देंगे हम टाइटल, तो ये हो गया टाइटल। तो ये सब देने के बाद यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ चेस बोर्ड VORD, और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे हेड पोर्शन फिर लिखिएगा, और फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे बॉडी पोर्शन आएगा। तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे टेबल लेना है और टेबल के बाद सेल पैडिंग लिखना है। सेल पैडिंग स्पेसिंग चाहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन पैडिंग ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 20 कर देते हैं, और 20 करने के बाद यहाँ पर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर देते हैं, सेंटर CENTER। तो ये हो गया सेंटर। अब इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करके एंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ पे TR टेबल रो बनाने के लिए, और बाकी टेबल डेटा TD लिखेंगे। और यहाँ पे देंगे BG कलर, ठीक है। तो ये BG कलर कर दिया, और यहाँ पे कौन सा कलर, रेड कलर दे देंगे। ये रेड कलर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करके क्या करना है, जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पे TD लगा करके इसे ये क्लोज किया। अब फिर वापिस, अब देखिए कितने रोज बनाने हैं हमें, एक रो के अंदर कितने कॉलम्स बनाने हैं, तो उसके हिसाब से ही चलेगा। तो यहाँ पर आएंगे Ctrl-V। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये 5 हमने कर दिए। तो अब रेड के बाद यहाँ पे कर दूंगा ग्रीन। चेंज करते रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो ये सही नहीं दिखेगा आपका। फिर यहाँ ग्रीन आएगा, ठीक है। तो रेड के बाद हमेशा ग्रीन आएगा, और फिर ग्रीन के बाद रेड आएगा। और अब मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए। अब 5 के बाद अगर 6 बनाना चाहें तो आगे यहाँ पे दे सकते हैं Ctrl-V करके। यहाँ पे ये ग्रीन वाला मैं क्या करता हूँ, Ctrl-C करके कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे Ctrl-V करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये ग्रीन वाला हो गया। तो अब ये सब हो गया। अब यहाँ पर एंटर करके आएंगे, TR करेंगे, और TR करने के बाद यहाँ पे फिर TR को ओपन करेंगे, ठीक है। ये ओपन कर लिया TR, और TR को ओपन करने के बाद यहाँ से क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर चीजें उल्टी हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे ऊपर रेड था ना, तो यहाँ पे आप ग्रीन करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपका चेस बोर्ड सही तरीके से नहीं बनेगा। तो जहां जहां रेड है उसकी जगह ग्रीन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिखेगा ग्रीन, GREEN, ये ग्रीन हो गया। फिर यहाँ पे रेड करेंगे, और देखिएगा जब ये बन करके तैयार होगा तो ये शानदार चेस बोर्ड आपको दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर फिर वापस से आते हैं, यहाँ पे ग्रीन करते हैं, तो ये ग्रीन हो गया। फिर यहाँ रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कर देते हैं, तो ये रेड हो गया। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, और नीचे वाला रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन है इसको रेड बना देंगे। तो बस यही करना है हर बार, ठीक है। अब दो बार ये कर लिया ना तो फिर तो आराम हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे, TR को क्लोज करेंगे। तो ये TR क्लोज हो गया। अब दो बार ये काम हो गया तो फिर आसान हो जाएगा काम। अब क्या करना है, अब यहाँ से इसको पकड़ना है, ये वाला हिस्सा पकड़ना है, और यहाँ से पूरे को उठाना है और कॉपी करके सीधा नीचे पेस्ट मारिए बिना सोचे समझे। अब काम हो गया, तो ये Ctrl-V कर दिया। अब क्या करना है, अब जब नीचे कर दिया तो फिर इसको उठाइए और यहाँ से बिना सोचे समझे इसको कॉपी कीजिए, देन यहाँ पे पेस्ट मारिए। तो ये हो गया। अब मान लीजिए इतना ही हमें बनाना था, अब हो सकता है कि और भी बनाना हो, लेकिन मान लीजिए अभी देखते हैं ये कैसा, इसका रूप कैसा आता है, कैसा निकल के आता है आउटपुट, एक बार चेक कर लें, तो फिर आगे भी इसको कवर कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले टेबल को क्लोज करेंगे, तो ये टेबल क्लोज हुआ। टेबल के बाद क्या क्लोज होगा, टेबल के बाद यहाँ पर क्लोज होगा बॉडी। तो यहाँ पे चल के इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर myweb.html के नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेव कर दिया, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये डेस्कटॉप पे ही सेव करना है आपको। तो ये डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद क्या करना है, यहाँ से ये देखिए ये आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए ये चेसबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा। देख सकते हैं ये बिल्कुल चेसबोर्ड जैसा ही दिख रहा है, देख लीजिए एक बार। अब इसमें कुछ चीजें और बढ़ाना चाहें आप, जैसे इंक्रीज करना चाहें, जैसे साइज इंक्रीज करना चाहें, थोड़ा और बड़ा दिखे, या कुछ ऐसा करना चाहें, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सेल पैडिंग लगाया है ना, इसको हम कर देते हैं लाइक 50 कर देते हैं। इसको एक बार 50 करके देखते हैं क्या होता है, कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता। तो इसको 50 कर दिया है। अब इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करते ही हमारा चेसबोर्ड बड़ा हो जाएगा। देखिए चेसबोर्ड जैसा ही ये दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि कैसे इसे बनाना है। अब मान लीजिए आगे इसे बढ़ाना चाहे तो आपको बहुत अब सोचने की जरूरत नहीं है। आपको खाली क्या करना है, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से पकड़ना है,
और इसको कॉपी करना है, और कॉपी करके देन यहाँ पे पेस्ट करना है। तो देखिए ये चेस बोर्ड आपको बना करके दे देगा, ये देखिए अब ये हो गया। अब यहाँ से फिर इसको उठाइए और इसको उठा करके कॉपी कीजिए, देन नीचे पेस्ट कीजिए, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया, अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। अब जब रन कराया है हमने इसे, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए ये काफ़ी बड़ा चेस बोर्ड बनता हुआ आपको नज़र भी आ रहा होगा। देखिए ये इस तरीके का चेस बोर्ड आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।